स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि हम अध्याय 2 वर्गीकरण को पढ़ रहे थे, उसमें हमने जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और कवक जगत के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आज पादप जगत और जंतु जगत के बारे में शॉर्ट में समझेंगे और उसके बाद अगले अध्याय में उनका पृथक पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है किंगडम प्लांटी, अर्थात पादप जगत। कौन सा जगत हो जाएगा? पादप जगत अर्थात पौधे। आप सब पौधों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। पृथ्वी पर जो हरियाली है, पृथ्वी पर जो सुंदरता है, उनके पुष्पों की, उनमें व्याप्त विविधताओं की, वो किसके कारण है? पौधों के द्वारा है। अगर पृथ्वी पर पौधे ना हो तो हमारी जो उत्पादक की कड़ी है वो समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार से हमको पौधे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पढ़ें पादप जगत के क्या क्या लक्षण है, तो सबसे पहला लक्षण ये है कि ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इसमें एडवांस वर्जन सत्य केंद्रक और सारे सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। दूसरा, इसकी जो कोशा भित्ति होती है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों, सेलुलोज की बनी होती है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो जो प्लांट्स की कोशा भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सभी पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अर्थात ये सूर्य की उपस्थिति में कौन सी क्रिया करते हैं? आप सबने 10वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इनमें एक वर्णक क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो और इसकी परिभाषा भी आप सबको अच्छे से आती होगी। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक नेचर के भी होते हैं, यानी सभी नहीं होते, आंशिक पौधे जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और उसके अंतर्गत ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कीटभक्षी और दूसरा हो गया परजीवी। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है ड्रोसेरा, कलस पादप, बहुत सारे, तो ब्लैडरवर्ट इत्यादि पौधे जो है वो कीटभक्षी कहलाते हैं। और ये कीट भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें किसी न किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है जिससे ये कीटों का भक्षण करते हैं। दूसरा है परजीवी पौधे, तो इसका उदाहरण है अमरवेल, अर्थात ये किसी न किसी रूप में अपने भोजन का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं, तो वे दूसरे की सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम पौधों के जगत को देखें तो ये भी बहुत सारे उसमें बांटा गया है। जैसे शैवाल, इसके अंतर्गत शैवाल आ जाते हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव स्टार्टिंग है। विब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, और उसके बाद उच्चतम स्तर पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट आते हैं, अर्थात आवृत बीजी प्लांट पाए जाते हैं। तो ये है हमारे पादप जगत के बारे में सार रूप में प्रस्तुतिकरण। अब हम देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये हमें एक कीट भक्षी पौधा दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ड्रोसेरा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से छोटे छोटे टेंटाकल्स निकले हुए हैं। जब भी कोई कीट इस पर आकर के बैठता है तो क्या होता है, ये सारे टेंटाकल्स उसको आपस में ओवरलैप कर देते हैं, दबा देते हैं, और इस प्रकार वो कीटों का भक्षण कर लेता है। उसी प्रकार से एक और पौधा है, इसका नाम है कलश पादप, क्योंकि इसके पत्ती की आगे की संरचना किसके रूप में बदल जाती है? एक कलश के रूप में बदल जाती है, एक चौड़े मुंह के बर्तन जार के रूप में बदल जाती है। और जब भी कोई पौधा अगेन यहाँ पर आकर के सॉरी कीट कोई बैठता है तो वो धीरे से ढक्कन बंद हो जाता है और वो नीचे यहाँ पर पहुंच जाता है, बाद में पौधा इसको भक्षण कर लेता है। तो ये थे हमारे पादप जगत के बारे में। अब हम चलते हैं, और एक पौधा और रह गया जिसको हम बोलते हैं कीट भक्षी परजीवी पौधा। ये जो परजीवी है, उदाहरण है इसका अमरबेल। ये क्या करती है? ये पौधा जो है ये किसी एक स्वस्थ पौधे पर अपना चूषकांग यहाँ पर लगा देता है और उससे भोजन और पानी और सारी सुविधाएं प्राप्त करता रहता है जो कि किसी प्लांट की लाइफ के लिए जरूरी होती है। और उसके बाद ये अपने पूरे आकृति जो है, जो प्लांट है उसको बढ़ाता है और अपने कायिक अंगों का वर्धन करता है। अब हम देखते हैं,
अध्ययन करेंगे पादप जगत के अध्ययन के बाद में जंतु जगत या किंगडम एनिमल। हमें जैसे मालूम है कि जिस प्रकार प्रकृति में विविध प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं, उनकी किस्में, उनकी प्रजातियां मौजूद हैं, उसी प्रकार से जंतु जगत में भी क्या है, विविध प्रकार के जंतु हमको मिलते हैं। कुछ समुद्री हैं, कुछ जल में रहने वाले हैं, कुछ जंगलों में रहने वाले हैं, कुछ घरेलू हैं, कुछ हिंसक हैं, कुछ वन्य प्राणी हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार के जीवों से भरे हुए संसार में हमें नाना प्रकार के जंतु दिखाई देते हैं। इसमें से हम देखते हैं इनकी विशेषता, तो जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं वो सब कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इसमें बिल्कुल डिफाइंड न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इनका संगठन स्तर बहुकोशिकी से लेकर के कैसा होता है, उच्च, मतलब बहुत ऊतक संगठन स्तर तक का इनका शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ये यूकैरियोटिक हो गए और बहुकोशिकी हो गए, अर्थात मल्टीसेलुलर हो गए। दूसरा, ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और भोजन हेतु पौधों पर निर्भर रहते हैं, चाहे तो वो प्रत्यक्ष रूप से, चाहे तो वो अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात इनमें भोजन बनाने की जो एबिलिटी है वो पाई नहीं जाती। ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, विविध प्रकार इसमें पोषण के स्तर के विविध प्रकार पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कोशिका भित्ति जो रहती है, जो कि पौधों में उपस्थित रहती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो पूर्णतया अनुपस्थित होती है, और अगर किसी में हुई भी बहुत ही कम है, और यदि हुई भी तो वो सेलुलोज की नहीं होती है। इसके बाद इसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है, अर्थात प्राणी संपोषण, जिसका उदाहरण मनुष्य है कि हम पहले क्या करते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा, फिर उसका पाचन होता है और उसके बाद उसका उत्सर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेस भोजन के पाचन का होता है उसको कहते हैं प्राणी संपोषण। तो ये इस प्रकार के जंतु जगत की प्रमुख विशेषता है। बच्चों, ये जो हमने पढ़ा पादप जगत और जंतु जगत का बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो आज बहुत करंट की प्रॉब्लम भी चल रही है कोरोना वायरस, तो हम वायरसेस के बारे में अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करें और लर्न करें। थैंक यू बच्चों।